ओम शांति। जितना बीमारी जास्ती हो खुशी होनी चाहिए। कहीं कहते हैं ना, मुझे सभी बीमारियां लगी हुई है, तो ब्राह्मण बच्चों को ये समझना चाहिए, ऐसे बाहर किसी को नहीं कह देना आपको इतनी सारी बीमारियां, बहुत खुशी की बात है। किसी और के लिए नहीं, ये सब अपने लिए है, अपने चिंतन के लिए है। वहीं अपने चिंतन की बात दूसरे पे डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने तो सत्य ही बताया है। सत्य कहां बताया है, सभ्यता कहां है? सभ्यता भी तो चाहिए। सत्य सत्य अच्छा तब लगता है जब उसके साथ सभ्यता होती है, तो उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। ये नहीं कि आप सत्य में कटाक्ष करते रहें और सोचें कि हम तो सत्य ही कह रहे हैं, हमने तो सत्य ही कहा है। तो समझने की जरूरत है कि बाबा ने कहा, हम बच्चों से कहा, और हम बच्चे बाबा के भाव को समझते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो ऐसे बाहर जाके किसी से नहीं कहना आपको कितनी बीमारी है, बड़ी खुशी की बात है। हम ब्राह्मण बच्चों को कहा, क्यों कहा ये भी बताया कि हमारे हिसाब किताब चुप्त हुए। तो कोई भी पॉइंट बाबा जब कहते हैं उसके साथ ही हमें भाव स्पष्ट भी करते हैं कि ये मैंने क्यों कहा है। हम अगर पहली लाइन पे ध्यान दें और दूसरी लाइन पे ना ध्यान दें तो वो बात का अर्थ ही दूसरा हो जाता है, समझे? इसीलिए कहीं मुंझ जाते हैं, बाबा ने ऐसा कह दिया, फिर बाबा ने ऐसा कह दिया। उससे आगे पीछे भी देखो ना, आगे पीछे किस बात से रिलेट करके बाबा ने ऐसा कहा होगा। से जब हम मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आगे पीछे ना एक ध्यान नहीं देते हैं कि बाबा ने किस भाव से कहा, बस वो लाइन पकड़ लेते हैं, बाबा ने ऐसा कहा है। किस भाव से कहा, कैसा बच्चा सामने था, क्या था, वो नहीं देखते। ओके, तो इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जास्ती हो खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। जितना बीमारी जास्ती हो खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुक तो करना ही है, इससे डरना नहीं है। अच्छा, ओम शांति।